नमस्कार खेडूत मित्रों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आयसर 333 के बारे में। आप देख सकते हैं वीडियो में सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग के साथ में आता है, नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल के साथ है। और इसका फ्रंट टायर की बात करें तो 616 का आता है। इसमें इंजन सिम्पसन का है और 36 SP का और 2365 CC का इंजन आता है इनलाइन पंप के साथ में। और ये बहुत ही पावरफुल ट्रैक्टर है। 36 SP में 5-स्टार रेटिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है और साइड गियर पावर स्टीयरिंग है। मल्टी स्पीड PTO, GS PTO एंड रिवर्स PTO के साथ में ट्रैक्टर आता है। इसमें ऑप्शनल में ड्यूअल क्लच है और सिंगल क्लच में भी आता है और साइड शिफ्ट गियर है। और इससे पिछले टायर की बात करें तो 13628 के है। आज हम पीछे की बात करें तो उसके साथ में एक टोपलिन आता है और हाइड्रोलिक पीछे देख सकते हैं आप। हाइड्रोलिक के लिए एक पाइप लगाई गई है और यहाँ पे ऑटोमेटिक हुक है जो यहाँ पे शोरूम की तरफ से आता है, ये वेलनाथ वेल्डिंग वर्क्स कोडिनार से। तो बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है। यहाँ पे पावर ऑयल प्रेशर पंप दिया गया है पावर स्टीयरिंग के लिए और हाइड्रोलिक के लिए, आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर करना ना भूलना। सिम्पसन का इंजन आता है, आप देख सकते हैं S324F11 इंजन आता है उसका नाम है। यहाँ पे पावर स्टीयरिंग फिल्टर और हाइड्रोलिक ऑयल के लिए फिल्टर दिया गया है। यहाँ पे बैटरी है। यहाँ पे 333 की ब्रांडिंग के साथ में 5-स्टार रेटिंग और यहाँ आप देख सकते हैं सुपर प्लस। बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है। आपको ये ट्रैक्टर आपके पास है या तो कमेंट करके बताना। ये नया वाला मॉडल है 2022 का। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले वीडियो में हम उसका फार्म रिव्यू लेंगे, उसको चला के फार्म में दिखेंगे, वो भी वीडियो जल्दी आएगा। इसमें आप देख सकते हैं 540 RPM PTO है, रिवर्स PTO है और मल्टी स्पीड PTO के साथ में है ट्रैक्टर। बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब ट्रैक्टर बनाया है आयसर ने। यहाँ पे फ़ोन को चार्जिंग करने के लिए एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, आप देख सकते हैं वीडियो में पूरा। और यहाँ पे हम बात करते हैं उसके मीटर की। यहाँ पे RPM मीटर भी डिजिटल है और ओवर्स मीटर भी डिजिटल है। यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन है, बैटरी इंडिकेशन है, ऑयल प्रेशर इंडिकेशन है और इंजन टेम्परेचर इंडिकेशन आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। पूरा डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे गियर की बात करें तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स में आता है। यहाँ ड्राफ्ट कंट्रोल है, कंट्रोलर है, देख सकते हैं लो एंड हाई एंड लो की गियर लीवर है। आगे मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके बताऊंगा, उसकी आवाज़ कैसी है वो भी कमेंट करके हमें बताना। आप ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस देख सकते हैं, कितनी बढ़िया टर्निंग रेडियस दिखती है। आप देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग में बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं।